शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिंदूर प्रेम की सबसे अहम निशानी होती है, इसलिए आज मृदुला की मांग ऐसे भरना कि 7 जन्मों तक इस सिंदूर की लाली बनी रहे। ठीक तो है ना मनोहर? मनोहर ठीक हो ना? तो भरो मृदुला की मां। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जब तुम विवाह के लिए किसी स्त्री की मांग भरोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मनोहर, ये मुझे क्या हो रहा है? ये इतने बुरे विचार क्यों आ रहे हैं मेरे मन में? मेरे विवाह का मेरी मृत्यु से क्या संबंध? कोई तो बात है, कुछ तो हो रहा है मनोहर को, वो ठीक नहीं लग रहा। ये उस व्याचारा के श्राप का प्रभाव है। उस श्राप के कारण ही मनोहर को कामदेव के जीवन की समस्त घटनाओं का स्मरण हो रहा है। मनोहर, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद तुम्हारा प्रेम विवाह तक पहुंचा है, और अब मांग भरने में तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? समझ नहीं आ रहा, मनोहर अचानक से किन चिंताओं में गिर गया? कोई तो बात है जो उसे इतना परेशान कर रही है, पर क्या? जब भी तुम विवाह के लिए किसी स्त्री की मांग भरोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो यही वो स्थान है जहां युगों पहले कामदेव की भस्म गिरी थी, किंतु अब यही स्थान आधार बनेगा उस लड्डू गोपाल के विधान को खंडित करने का। तो ये दिव्य प्रकाश कामदेव की दिव्य भस्म से आ रहा है। इसका अर्थ है कि युगों से इसी कलश में सुरक्षित है कामदेव की दिव्य भस्म। युगों से देवों ने कामदेव की भस्म को इसीलिए सुरक्षित रखा था ताकि श्राप पूर्ण होने के पश्चात कामदेव अपने कामलोक वापस लौट जाएं। किंतु अब इस भस्म से देवों की इच्छा नहीं, अपितु पूतना का प्रतिशोध पूर्ण होगा। रति, तुम इसी कलश को ढूंढ रही हो ना, और इसी कलश के लिए महागन से मिलना चाहती हो ना, परंतु तुम इस कलश और कामदेव के दिव्य भस्म तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। इसलिए अब
इस संसार से हार होगी तुम्हारी प्रेम और भक्ति की और तुम्हारे उस लड्डू गोपाल की। ना सत्य अहंकार समह शत्रु, अर्थात अहंकार के समान कोई अन्य शत्रु नहीं। और पूतना, तुम इस समय अपने उसी अहंकार के वश में हो, इसलिए अब देखना ये है कि तुम्हारे इस अहंकार को किस प्रकार देवी रति खंडित करती है, कैसे वो कामदेव के दिव्य भस्म को प्राप्त कर कामदेव के दिव्य शरीर की पुनर्रचना करती है और देवों के वचन और विधि के विधान की रक्षा करती है। विधि का विधान तब बचेगा ना जब ये संसार में कामदेव का अस्तित्व बचेगा, क्योंकि कामदेव के दिव्य शरीर को तो मैं पहले ही नष्ट कर चुकी हूँ और अब कामदेव की इस दिव्य भस्म को नष्ट करके मैं इस संसार से कामदेव के अस्तित्व को समाप्त कर दूंगी। डॉक्टर को बुलाइए। मृतुला, वो इतने दिनों से इतना कुछ सहन कर रहा था, परेशान था ना, तो शायद इसलिए थोड़ा, पर तुम चिंता मत करो, अभी ठीक हो जाएगा। मनोहर तुलसी इसे उठाइए ना। मनोहर बताइए ना क्या हुआ है मनोहर को। मनोहर जी क्षमा कीजिए मुझे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब इनकी सांसें बंद हो चुकी हैं। ये सच नहीं हो सकता। मनोहर उठिए ना, ये क्या बोल रहे। तुलसी मनोहर को उठाइए ना। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मनोहर ने मृदुला की मांग भरी है, अभी फेरे लिए शादी हुई इनकी, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ तो करिए। मैं समझता हूँ ये मानना आसान नहीं है, लेकिन सच यही है, मनोहर की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। मनोहर उठे ना, अभी तो आपने मेरी मांग भरी है ना, सबको बताइए ना उठ के, ये लोग क्या बोल रहे हैं। उठ जाइए मनोहर, मनोहर उठिए, मनोहर उठो मनोहर। हरे रामा हरे कृष्णा, मांग भरते ही दूल्हे की मौत हो गई, ये कैसा दुर्भाग्य है। तुलसी मौसी हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसके विवाह के साक्षी स्वयं प्रभु श्री राम जी थे, भला उसके साथ ये अनर्थ कैसे हो सकता है। ये तो होना ही था तुलसी। ये विवाद तुमने जो कराया था, लड्डू गोपाल, युगों से तुम जिस धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हो और जिस विधि के विधान को बचाने के लिए बार बार अवतरित हो रहे हो, आज उन सभी लीलाओं का मैं पूतना अंत कर दूंगी। कामदेव की इस दिव्य राख को नष्ट करके अब इस संसार में ना तो कामदेव अपना शरीर प्राप्त कर सकेंगे, ना स्त्रियों का सुहाग बचेगा और ना ही सृष्टि का श्रृंगार। ये केवल संकट नहीं, अपितु संसार में आने वाला वो संकट है जिसे कोई नहीं टाल सकता, ना लड्डू गोपाल, ना उसकी परम भक्त तुलसी और ना ही देवी रति।
किसने किया ये तो साहस? कौन है वो जिसने स्वयं अपनी मृत्यु का आह्वान किया है? महागण, रामदेव की दिव्य वसन को धारण करने वाले इस कलश को स्पर्श किसने किया? अवश्य ही ये स्वयं कामदेव के रक्षक महागण का है, अर्थात कामदेव का दिव्य भस्म संकट में है। इससे पूर्व कि उस दिव्य भस्म को कोई नष्ट कर दे, मुझे शीघ्र से शीघ्र उसे रोकना होगा। जिस कलश को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उस दिव्य कलश को तुमने अपने हाथों में उठा लिया। तुम्हारा अंत निश्चित है। मनोहर की मृत्यु की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुलसी है। तुलसी ने ही मारा है हमारे मनोहर को। ये कैसी बात कर रहे हैं मौसा जी? तुम अब तक नहीं समझे गजेंद्र, लेकिन मैं ये बात तभी समझ गया था जब ये तुलसी भगवान श्री राम का बहाना लेकर मेरे घर में घुस आई थी। जन्म से जानता हूं इस लड़की को, इसका सिर्फ नाम तुलसी है, इसमें तुलसी वाला कोई गुण नहीं है। उल्टा ये लोगों का अमंगल करने वाली, लोगों के जीवन को दुखों से भर देने वाली अनर्थकारी तुलसी है। शांत हो जाइए महागण, मेरा कामदेव के इस दिव्य भस्म को यहाँ से ले जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अब मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? जो मुझे जागृत किया, क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम्हारी भलाई और तुम्हारी युगों की कामना की पूर्ति। किस कामना की बात कर रही हो तुम? वही कामना जो युगों से तुम्हारे मन में दबी है, जिसके कारण तुम युगों से एक शापित जीवन जी रहे हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी कामना और तुम्हारे शापित जीवन दोनों से मुक्त कराने आई हूँ। ये कोई शाप नहीं, कोई कामना नहीं है मेरी। समय की धार के कारण तुम्हारी स्मृति क्षीण हो गई है महागण। तुम अपनी इच्छा अपनी कामनाओं को भूल चुके हो, किंतु सत्य तो ये है कि महादेव ने अपनी शक्ति से तुम्हें इस कामरूप पर्वत के कंदरा में रहने के लिए विवश कर दिया है। महादेव के ही कारण तुम संसार के सौंदर्य से दूर यहाँ इस अंधकार में एक शापित जीवन जी रहे हो महागण। इसलिए मैं महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला, मैं पूतना, तुम्हें तुम्हारे जीवन के सौंदर्य श्रृंगार और कामनाओं को लौटाने आई हूँ। तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्त कराने आई हूँ मैं महागण। ये क्या कह रही हो तुम? मैं शापित हूँ? मुझे श्राप मिला है, परंतु किस लिए? उस रति के कारण। कौन रति? मैं किसी रति को नहीं जानता। कामदेव की पत्नी रति, तुम्हारी सबसे मनोरम कामना रति, वही रति जिसके कारण तुम युगों से शापित जीवन जी रहे हो। और मौसा जी, जो कुछ हुआ उसे तुलसी क्या दोष? अरे सारा दोष इस तुलसी का ही है। क्या क्या नहीं करती है, जादू टोना तंत्र मंत्र सब कुछ जानती है और सब कुछ करती है ये। मेरा यकीन नहीं तो पूछो इन गांव वालों से। क्यों राम भुवन, क्या क्या कौन कौन से पाप लगे हैं इस तुलसी पर? ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, अकाल मृत्यु, और ये अकाल मृत्यु ही तो है, इसलिए शत प्रतिशत ये पाप तुलसी ने ही किया है। पर मौसा जी, तुमसे जो कुछ भी कर रही थी मृदुला और मनोहर को मिलाने के लिए कर रही थी,
वो भला क्यों चाहेगी कि मनोहर ना रहे? गजेंद्र गजेंद्र गजेंद्र, ये तुलसी जितना ऊपर दिखती है ना, उससे ज्यादा नीचे जमीन में धसी हुई है। इसे जैसे ही पता लगा कि तुम मेरे रिश्तेदार हो, इसके अंदर के बदले की आग भड़क उठी, और इसीलिए इसने ये सारा प्रपंच रचा, दिए की ज्योति में न जाने क्या क्या झूठ और सच दिखा दिया, और तुम्हें भी शादी के लिए मना लिया। पर देखो अंत में क्या हुआ, शादी होते ही विधवा हो गई हमारी बेटी मृदुला। तुलसी, अगर तुम्हें दुश्मनी निकालनी ही थी तो मेरी जान ले लेती, किसी का सुहाग उजाड़कर तुम्हें कौन सा सुख मिल गया? कैसे जियोगी तुम इतना बड़ा पाप करके? जो तुम्हारे साथ युगों पूर्व हुआ था, उसका प्रतिशोध लेने का समय अब आ गया है। ना ही मुझे मेरे साथ हुए किसी अनर्थ की स्मृति है, और ना ही किसी श्राप की। मुझे स्मरण है तक केवल इतना कि मैं इस कलश का रक्षक हूं, और मेरे ये जीवन का एक ही उपदेश है, एक ही कामना है, इस कलश की रक्षा करना। मैं भी यही चाहती हूँ महागण, और मैंने यानी पूतना ने तुम्हें इसीलिए ही जागृत किया है ताकि तुम इस कलश की रक्षा कर सको, सावधान रह सको उससे जो इस कलश को लेने आ रही है। किसमें इतना साहस जो मेरे हाथों इस कलश को ले सके? कौन है वो जिसे अपने जीवन से अधिक अपनी मृत्यु प्रिय है, जो मेरे सम्मुख खाने का तो साहस कर सके? वही रति जिसके कारण तुम युगों से ये दुख भोग रहे हो, वही रति जिसके कारण तुम्हारा ये जीवन नष्ट हुआ है, वही रति पुनः तुम्हारे पास आ रही है तुमसे तुम्हारा कलश लेने के लिए। तुम्हें मेरी या इस कलश की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी इस दिव्य कलश को यहाँ से ले जाने के लिए आएगा वो जीवित नहीं बचेगा। महागण, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप महागण? महागण, चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा वध कर दूँ। जाओ। महागण, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, अब वो रति अपने कामदेव के भस्म को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। महागण, मुझे प्रसन्नता है कि तुम अपने उद्देश्य को लेकर सचेत हो। इस कलश की रक्षा करना तुम्हारा भी उद्देश्य है और मेरा भी। ये तुमने क्या कर दिया पूतना? जो महागण मेरे कामदेव के भस्म के रक्षक हुआ करते थे, तुमने उन्हीं को मेरा शत्रु बना दिया। अब मैं कामदेव को पुनः जीवित कैसे करूंगी? देखा, झूठ के पांव नहीं होते और सच बहुत कड़वा होता है। सच की उसी कड़वाहट का सामना नहीं कर पाई तो पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। हे प्रभु, लड्डू गोपाल, ये हमें कौन से कर्मों का फल मिल रहा है? ये कैसा कलंक लगा है हमारे ऊपर? पर भाइयों, पाखंडी तुलसी के इस तरह मुंह छुपाकर भाग जाने से हमारा दुख तो कम नहीं होगा ना? तुलसी, वैसे तो बड़ा सबके आगे क्रांति का मशाल लेकर चलती हो, अब क्यों छुप रही हो? अरे एक बार आकर देखो तो इस फूल सी बच्ची का क्या हाल हुआ है, क्या बीत रही है इसके मन पर। एक विधवा का दुख जानती हो तुलसी?
अरे कैसे जानोगी जब तक खुद पर नहीं पीतेगी, कैसे समझ पाओगी किसी का सुहाग गुजरने का क्या मतलब होता है। त्रिगुण जी, मरना और जीना तो सब विधि का विधान है, और जब होने को यही मंजूर था तो इसमें हम ये तुलसी क्या कर सकते हैं। तुम मौसी हो ना तुलसी की, और मौसी अपनी बेटी की बात का उसके पाप का पक्ष नहीं लेगी तो और कौन लेगा। पर सच तो यही है कि इस आंगन की तुलसी भगवान लड्डू गोपाल के नाम पर अपनी स्वार्थ साधना करती है, पूजा के नाम पर पाखंड करती है। गजेंद्र, जितनी देर तुम यहाँ रुकोगे उतना ही देर तुम्हारा दुख और दर्द बढ़ता जाएगा। मेरी मानो तो दामाद जी का शव लेकर मेरे घर चलो, वहीं से करेंगे अब इनका अंतिम संस्कार। प्रभु, मैं मेरे मनोहर को कहीं नहीं लेकर जाने दूंगी। मनोहर, आप मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आपने मुझे वचन दिया था ना, आप मेरे साथ थे ना, आपको तो साथ साथ जन्म साथ निभाने से क्यों छोड़कर चले गए। मनोहर उठिए ना, मैं बोल रही हूँ, उठ जाइए। मनोहर भैया, आपसे बोल रही हूँ उठाने के लिए। मनोहर उठ जाइए, मनोहर उठ जाइए, मनोहर। जिसे सुहाग के सेज पर जाना था उसे शमशान लेकर जाने की बातें हो रही है। जिसका जिसका श्रृंगार पूरा हो रहा था उसके उसके दुनिया उजड़ गई। क्यों, कैसे प्रभु, कैसे? तुम प्रेम करने वालों के साथ क्या घट गया प्रभु? मैं जानता हूँ तुलसी, इस समय तुम्हारे मन पर क्या बीत रही है, क्योंकि जब बिना किसी दोष के किसी को अपराधी बना दिया जाए तो उससे बड़ा और कोई दुख नहीं है, उससे बड़ी और कोई यातना नहीं। युगों से कामदेव को पुनः प्राप्त करने के लिए देवी रति प्रयत्नशील और युगों से महागढ़ उनके जीवन और प्रेम का शत्रु बना हुआ है। मैं तो केवल कामदेव का अंत करना चाहती थी, किंतु इस बार कामदेव के साथ साथ रति का भी अंत होगा। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।